दिनेश शर्मा पर लगे गुंडा एक्ट के विरोध में आज सनातनी हिंदुओं ने जिलाधिकारी मथुरा को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में मांग की है कि दिनेश शर्मा जी को कृष्ण भक्त हैं और उन्होंने 4 वर्ष से अन्न छोड़ रखा है। वे अपने पैरों में जूता चप्पल भी नहीं पहनते हैं और ऐसे श्री कृष्ण भक्त पर गुंडा एक्ट लगाना अन्याय है। जिलाधिकारी मथुरा ने आश्वासन दिया है कि ऐसे अधिकारियों की जांच होगी और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो मथुरा जिला प्रशासन थाना गोवर्धन की तरफ से जो मुख्य पक्षकार श्री कृष्ण मूवी केस के श्री दिनेश शर्मा जी पर जो गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है वो निराधीन है बिल्कुल, और हम जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि गुंडा एक्ट को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अगर कृष्ण भक्तों पर गुंडा एक्ट लगेगा तो फिर गुंडों पर क्या लगेगा, इसलिए जिला प्रशासन और योगी शासन से यही मांग है कि इस कार्रवाई को वापस लिया जाए और दिनेश शर्मा जी को मुक्त किया जाए। जिलाधिकारी महोदय को आपने ज्ञापन दिया, क्या मामला है? श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनेश कौशिक जी, उनके ऊपर प्रशासन ने गुंडा एक्ट की कार्यवाही की है, जिसको लेकर अखिलवाद हिंदू महासभा एवं समस्त हिंदूवादी कमिश्नर साहब आगरा भी मिलकर आए हैं और वहां भी हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है जिसमें हम लोगों ने मांग की है कि निष्पक्ष इनकी जांच कराई जाए और इस मुकदमे को निरस्त किया जाए, इसको तुरंत खत्म किया जाए। जबकि दिनेश कौशिक जो जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने पिछले 4 वर्षों से इतना संघर्ष श्रीकृष्ण जन्मभूमि के लिए किया है, नंगे पैर चलने वाले हैं, फल पर जीवित रहने वाले, ऐसे व्यक्ति के ऊपर गुंडा एक्ट लगेगा, बड़ी निंदनीय होगा कि हिंदूवादी लोगों पर गुंडा एक्ट लगाया जा रहा है। जबकि ओबीसी जैसे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो राष्ट्र विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। जो देश राष्ट्र और हिंदू हित में और अपने धर्म के हित में कार्य कर रहे हैं उन लोगों पर ऐसे झूठे मुकदमे और ऐसी कार्रवाई की जा रही है, इसकी जितने भी हिंदूवादी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सब निंदा करते हैं और जिलाधिकारी महोदय से हम लोग अनुरोध करते हैं कि इस एक्ट को जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। संघर्ष के दिनेश कौशिक जी, जिन पर गुंडा एक्ट लगाया गया है, आज सनातन योगी सरकार है, भाजपा की सरकार है, योगी मोदी की सरकार है और योगी मोदी की सरकार में और ये सनातनियों पर गुंडा एक्ट लगेगी तो ये कहाँ की सरकार है। मैं भाजपा और मैं योगी मोदी से अनुरोध करना चाहता हूँ, जो इन पर गुंडा एक्ट लगेगी वो निराधार है, उनको हटाई जाए। और हमारे जो दिनेश कौशिक जी हैं बड़े चिंतित हैं इस गुंडा एक्ट से और उनका स्वास्थ्य बड़ा ख़राब चल रहा है, और मैं चाहता हूँ कि योगी मोदी से, अपनी प्रशासन सरकार से, महोदय से, इनको अक्सर उनकी गुंडा एक्ट हटाई जाए और उनको निर्दोष किया जाए, निर्दोष घोषित किया जाए, मेरी यही भावना है। जय श्री राम। ये जो कार्रवाई हुई है, दिनेश शर्मा जी जो कृष्ण जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार हैं, उनके खिलाफ जो किस आधार से लेकर के प्रशासन ने गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है, ये निराधार गलत है। जो कि एक सनातनी के साथ में इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है, गुंडा हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो एक सनातन धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों के पर अगर गुंडागर्दी की कार्रवाई की जा रही है ये बिल्कुल निराधार है, हम इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। ऐसे लोगों को नई प्रशासन को इसमें संज्ञान लेना चाहिए। योगी जी का शासन है, सनातनी सरकार है, उसके बावजूद भी अगर ऐसे कार्रवाई होगी तो आखिर उनका कैसे होगा। धर्मस्य गिला निर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनम सृजामयम। तो कहने का मतलब मेरा ये था, इस श्लोक को मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो ये धर्म का प्रति है और हम सभी को, देखो कोई व्यक्ति धर्म की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, हम सभी को मिलकर के धर्म की रक्षा करनी चाहिए। और जो हमारे दिनेश शर्मा जी हैं, उन्होंने धर्म के लिए सदैव रहे हैं और उन्होंने सदैव अपने लिए नहीं बल्कि दूसरे के हितार्थ में किया है। आज हम जैसा कि देख रहे हैं उनको किसी अन्य रूप में फंसाया जा रहा है, बल्कि ये गलत है और बाकी के प्रभु की इच्छाएं हैं। बाकी के मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सभी को मिलकर के धर्म की रक्षा करनी चाहिए, ना कि किसी के ऊपर गलत प्रभाव। शर्मा पे जो गुंडा लगाया है निराधार गलत है, ये हिंदू विचारधाराओं को कुठाराघात है, हिंदुओं को दबाने की एक षड्यंत्र है, ये विदेशी चाल है। और हमारे राम भक्त और कृष्ण भक्त पे अगर जो अभिवक्ता इसके लिए डिफेंस करेंगे या न्यायालय में जाएंगे, हम इनकी सहायता से हम कृष्ण की उपासक है, कृष्ण के जन्मभूमि को पैरोकारी करना चाहते हैं, हमको इस तरह से दबाया जा रहा है, ये बिल्कुल न्याय उचित नहीं है, सरासर गलत है। और हम शासन से मांग करते हैं कि
दिनेश शर्मा जो गुंडा एक्ट लगाया गया है उसे तुरंत वापस लिया जाए, नहीं इसमें बहुत बड़ा आंदोलन मथुरा में खड़ा हो जाएगा। लगाया है जो शासन की मंशा के अनुरूप नहीं है। अब हमारे सनातनियों की सरकार है और ऐसे सनातनियों पर गुंडा एक्ट लगेंगे तो जो गुंडा कहाँ जाएंगे, गुंडाओं पर एक्ट लगेगा, कौन सी धारा लगेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य जो के हिंदुओं के ग्रंथ रामायण को जलाते हैं उन पर गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगाया। ओबीसी है वो सनातनियों के और योगी जी की तमाम बुराइयां करता है, उस पर गुंडा एक्ट क्यों नहीं लगा। इसलिए योगी जी तो हमारे महानुभाव हैं, संत हैं, परम पूज्य संत हैं और भगवान के अवतार हैं। ये तो शासन की मंशा के हिसाब से दिनेश जी पर जो गुंडा एक्ट लगाया वो निराधार झूठा और गलत है, इसे तुरंत तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाना। मथुरा से अमित शर्मा की रिपोर्ट।